हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.33 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्वेश्चन 11.33 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, ये आपके पेपर में आने की चांसेस भी बहुत कम है बिकॉज ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रही है इस रिएक्शन में, और रीअरेंजमेंट हमारे सिलेबस में है नहीं। तो क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का है लेकिन आपको IIT वगैरह में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल आपके CBSE के अकॉर्डिंग तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग करके देखते हैं कि क्या रिएक्शन है। व्हेन 3-methyl-butane-2-ol, हमें दे रखा है 3-methyl-butane-2-ol इज ट्रीटेड विद HBr, ये रिएक्शन मिलती है हमें, Br यहाँ पे मिल जाता है, हमें इसका मैकेनिज्म देना है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात है कि रिएक्शन तो हमें दे ही रखे हैं, हमें तो बस एक मोस्ट प्रोबेबल पाथ में निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं CH3CH CH3 CH CH3 OH। अब रिएक्शन में है क्या, HBr। अगर आपको याद हो तो ROH HBr के साथ रिएक्ट करके RBr बना देता है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, OH हट के क्या लग जाना चाहिए, तो Br लग जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि Br इस पोजीशन पे, अगर इसको मैं 1 2 3 4 बोलूँ, नहीं उल्टा करूँगा ना, 1 2 3 4 बोलूँगा, तो Br 2 पोजीशन पे लगना चाहिए, लेकिन ये कहाँ लगा है, थर्ड पोजीशन पे लगा है अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, पहले फंक्शनल ग्रुप इधर था, मतलब इधर था, अब फंक्शनल ग्रुप इधर आ गया, तो ये भी 2 पोजीशन है, बट उससे वो मैटर नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ पहले OH यहाँ पे था, तो जिस कार्बन पे OH था वहाँ पे तो ब्रोमिन नहीं आया, ब्रोमिन तो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ब्रोमिन आ गया कि दूसरी पोजीशन पे। ऐसा कैसे हो गया जब कि OH हट के Br वहीं पर ही लगता है। सो यही रिएक्शन है, इसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले HBr क्या होता है, एक एसिड होता है, एसिड में जो ऑक्सीजन होता है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑब्वियसली एच पॉजिटिव पे, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, Br यहाँ से निकल जाएगा। सो व्हाट विल गेट, विल गेट CH3 CH CH3 CH CH3 OH H H पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारा बचा Br, है ना, तो हम तो चाहते हैं कि Br यहाँ अटैक कर देता, ये निकल जाता, तो प्रोडक्ट तो हमारा सही बन जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है ना पहले ही निकल गया, क्योंकि ये दे रहा था सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे हमें मिल गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन उतना स्टेबल होता नहीं है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, एच नेगेटिव डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो गया टू जनरेटर टर्शियरी कार्बोकैटायन, और टर्शियरी कार्बोकैटायन हमें पता है कि बहुत स्टेबल होता है, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट, मतलब मॉलिक्यूल सेम ही है बस वो थोड़ा सा रीअरेंज हो गया। अब ये रीअरेंजमेंट हुआ, अब ब्रोमाइड क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमाइड अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो व्हाट विल गेट, विल गेट द अबव प्रोडक्ट, अगर आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म कर सकते हो, एक बार में तो नहीं होगा, दो तीन बार में कर लोगे, दो तीन मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएंगे ना कैसे करना है, तो आपको ऑर्गेनिक आपकी टिप्स पे हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक आ जाएगी।